सबसे पहले मैं रुचिका को लेके आऊंगा। रुचिका इज ए बिग पर्सनैलिटी, आप देखते हैं ब्यूटीफुल गर्ल हु इज सिटिंग देयर, और ये लड़की जो है शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब, शी इज डूइंग वंडरफुल जॉब टू द कंट्री, क्योंकि ये लड़की जो है इस टाइम पे फाइट कर रही है, लोगों को सपोर्ट कर रही है जो कोविड से बहुत। विजेंद्र आई विल कीप यू ऑन होल्ड फॉर सम टाइम बिकॉज यू मस्ट ऑल्सो लिसन टू रुचिका वॉट शी हैज टू से एंड वॉट एवर शी द वर्क शी हैज डू। और रुचिका मैं तुमको एक और बात बता दूंगा कि अगर तुमको यहाँ पे कुछ लोगों से अपील करनी है कि तुम्हारा कोई जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए फंडिंग की अपील करनी है, तो यू कैन अपील एंड दैट मनी। अगर आपको चाहिए कोई आपका अकाउंट वगैरह है तो आप शेयर कर सकती हैं। मैं ये नहीं एश्योर कर सकता कि आपको क्या मिलेगा, एंड दैट मनी शुड गो डायरेक्टली टू योर अकाउंट, नो इंटरमीडिएट्स, तो कोई बीच वाला कुछ नहीं होगा। मीन्स आई कैन बी यूज एज ए प्लेटफॉर्म, लेकिन मैं उसके अंदर कोई रोल नहीं प्ले करूंगा कि सीधा अगर आपके पास पैसा हो तो आपके पास जाए, अगर आपको जरूरत है तो प्लीज अपील टू द पीपल एंड टेल पीपल व्हाट यू आर डूइंग। हेलो सर, हेलो शौविक, हेलो ऑल, नमस्ते, जय हिंद। सबको मालूम है इस टाइम कोविड से जितना सब लोग परेशान हैं, और क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में जो सिचुएशन है वो किसी से छुपी नहीं है। ऑक्सीजन बेड्स अवेलेबल नहीं है, नॉर्मल बेड्स अवेलेबल नहीं है। अभी सेशन पे ही थी तो मेरे पास 3 मैसेजेस आए हैं, और पेशेंट इतने क्रिटिकल हैं लेकिन उनके पास बेड्स अवेलेबल नहीं है। वो कोई भी बेड लेने को तैयार है, लोग बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर बेड्स इन दी हॉस्पिटल, अगर उन्हें बेड मिल गया है तो। आईसीयूज नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन मेडिसिन, प्लाज्मा डोनर्स कुछ नहीं है। हम लोग सिर्फ एक मीडिएटर की तरह से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन स्टार्ट किया है, एंड थैंक यू सर फॉर ऑफरिंग के अगर किसी को पैसे की, लेकिन हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसमें पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू बी द मीडिएटर्स बिटवीन द नीडी एंड द सप्लायर्स। तो जहाँ हमारे से हो पा रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, या एम्बुलेंस ओनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, या प्लाज्मा डोनर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना हो, या ऑक्सीजन सप्लायर्स के साथ, मेडिसिन वेंडर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जो हमारे अपने सोर्सेज हैं या तो उनसे, या फिर जहाँ तक हम लोग ब्यूरोक्रेट्स में या गवर्नमेंट में भी जहाँ तक हम ऊपर तक जा सकते हैं उनकी सोर्स लगवा सकते हैं, सो दैट जो हेल्पलेस पेशेंट्स हैं जिनके पास फैसिलिटीज नहीं, जिनको प्रोवाइड हो पा रही है, हम उन तक वो फैसिलिटीज पहुँचा सकें। कहीं पर बेड्स अवेलेबल हैं तो पेशेंट्स को नहीं मालूम, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल है तो पेशेंट्स को नहीं मालूम। वी जस्ट ट्राइंग टू फेलिसिटेट थिंग्स बिटवीन द नीडी एंड द वेंडर्स। तो इसलिए थैंक यू फॉर द ऑफर, लेकिन हम लोग उसमें पैसे की उसमें बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। रही बात जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं सब लोगों को फिर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के पास जितनी सहूलियतें हो सकें, आप एवरी वन शुड बी फील लकी कि आप लोग अपने अपने घरों में सेफ बैठे हैं। बाहर जो हाहाकार मचा हुआ है, हमारा एटलीस्ट दिल्ली का सिस्टम कोलैप्स कर गया है, हमारे चीफ मिनिस्टर के पास फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा जो वेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप को, अपनी शक्ल को टीवी पे, ट्विटर पे, रेडियो पे सुनाने के लिए और दिखाने के लिए लगा रहे हैं। 641 करोड़ दैट ही स्पेंट ऑन एड्स, लेकिन हमारे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? वो मेरा सोचना ये है कि क्या इस पैसे में से थोड़ा सा पैसा वो निकाल के शायद 5 से 10 करोड़ में एक प्लांट लग जाता। एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने में इतनी परेशानी थी क्या? यहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर एक प्लांट सेटअप हो सकता है, लेकिन उन्होंने वो एफर्ट नहीं किया है। वो जितनी शैतानी कर सकते हैं, जितना नोटोरियस पन कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। सबने लाइव देखा है आज जो उन्होंने जो इनकी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उस मीटिंग का भी इन्होंने लाइव टेलीकास्ट करवा दिया है। सो ये सिर्फ और सिर्फ अपना शैतानी दिमाग लगाने में लगे हुए हैं। पेशेंट्स के साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनको कितना भी कॉन्टैक्ट कर लो कोई रिस्पांस नहीं होता है। फोन करो 100 बार इनके ऑफिस में तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, या तो फोन उठाते नहीं है या फिर फोन हेल्ड अप कर दिया जाता है। नो वन गेट्स बैक टू यू, एटलीस्ट आई हैवंट रिसीव्ड एनी कॉल बैक फ्रॉम देयर ऑफिस। सिर्फ अप्रोच से हम लोगों को पहुंचना पड़ता है, किसी को अगर पकड़ लिया है और हम लोगों को तब उनको चेज करना पड़ता है कि प्लीज ये कर दीजिए। तो सिचुएशन इज वेरी बैड।
जो लोग जिस तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे आप लोग अपनी कॉन्टैक्ट दे सकते हैं। अगर आप लोग मेडिसिन वेंडर्स हैं या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्लाज्मा डोनर्स हैं या ऑक्सीजन सप्लायर्स हैं, हॉस्पिटल वाले जहाँ, अगर आपके पास बेड्स अवेलेबिलिटी है, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दिए कर दीजिए। जो होम सेटअप कर सकते हैं वो लोग प्लीज़ हम लोगों को इन्फॉर्म करिए। हम लोग होम सेटअप्स भी करा रहे हैं। मैंने इतने सारे, क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को हॉस्पिटल्स में, तो हम होम सेटअप्स पे एंड वीडियो कॉल्स पे पेशेंट्स को कंसल्टेशंस दिलवा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर हो सके तो जस्ट गेट बैक टू अस इन वट एवर वे पॉसिबल। आप सब लोगों का बाहर आना ज़रूरी है। ये लॉकडाउन की सिचुएशन अगर हुई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ घर में बैठें और अपना नेटफ्लिक्स देखें, अपना टीवी देखें और अपना टाइम पास करें। आपको नहीं मालूम बाहर बहुत बुरा हाल है, बाहर हाहाकार मचा हुआ है, बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ उन सब के लिए भी सोचिए, ह्यूमैनिटी, इंसानियत के नाते। सिर्फ हेल्प करना है, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ फ़ोन उठाना है और फ़ोन पर कॉन्टैक्ट्स देने हैं, नथिंग मोर। एंड अच्छा रुचिका एक बात बताइए कि जैसे कोई है, किसी ने मेरे से बात की कि भाई हमारे को कोविड था 16 दिन के तक पॉजिटिव आया, 16 दिन हो गए, अब हमको टेस्ट कराना है, कहाँ से टेस्ट कराएं, क्या करें? सर, टेस्ट करने के लिए डॉक्टर लाल पाथ लैब हो गया, SRL हो गया, सब लोग टेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर आप जा सकते हैं, आप लोग टेस्ट करवा सकते हैं। और होम पिकअप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट चल रहा है इन दिनों, होम पिकअप थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज बिग जो टेस्ट करने वाले लोग हैं वो तीन चार दिन तक के लिए बुक्ड हैं। लेकिन फिर भी अगर इन उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास अगर कोई आता है कि हमें टेस्ट करवाना है, तो मैं उसी टाइम 2-3 लोगों से पता कर लेती हूँ कि अगर कोई टेस्ट करने जा सकता है तो चले जाइए। तो मैं रेगुलर वो नंबर्स पोस्ट करती रहती हूँ अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, किसी को भी कॉन्टैक्ट करना है, चाहे वो टेस्ट करने के लिए हो या फिर किसी भी और फैसिलिटी के लिए हो, तो वो सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैं लगातार पोस्ट करती रहती हूँ। उनसे नंबर्स लेके उनसे बात की जा सकती है, एंड नॉट जस्ट फॉर दिल्ली, इवन फॉर NCR। अपना जो है ना, जो भी तुम्हारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं उसका जरा डिटेल दे देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर अस, फॉर द पीपल हु आर डूइंग दिस। जी, सो आई कैन बी रीच्ड ऑन ट्विटर at Rochika, which is ROCHIKA. Just remember people, it is ROCHIKA, Rochika on Twitter. Instagram, it is ROCHIKAA, Rochika with a double A. And Facebook, you can DM, you can send me a message on ROCHIKA, that is Rochika Agarwal, AGARWAL. So if you search it, probably it is the first name that comes with a double A. It Rochika with a double A on Facebook, Rochika Agarwal. Instagram, Rochika, it is ROCHIKAA. And Twitter, it is ROCHIKA. So please get back to us. आप लोग DM कर सकते हैं मुझे, आप लोग message कर सकते हैं, आप लोग मेरी stories पे मैं लगातार update देती रहती हूँ उस पर आप लोग मुझे revert कर सकते हैं। मुझे mostly लोग social media पे contact कर रहे हैं और इतने लोगों को उसी तरीके से हम लोग help कर पाए हैं social media पे contact करके, क्योंकि लोग social media पे मेरी post देखते हैं अगर, तो वो लोग उनके requirements को fulfill करने के लिए। In fact, I would like to thank a lot of plasma donors also, मेरी पोस्ट को देख के और उनको इंस्पिरेशन मिली है, एंड दे स्टार्टेड कमिंग फॉरवर्ड कि हम डोनेट करना चाहते हैं, हम कुछ और काम करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत दुख होता है ये सोच के, मेरे अपने जान पहचान पे भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मुझे बहुत मुश्किल लगी उनको कन्विंस करने के लिए, कि जिन्होंने पिछले साल कोविड हुआ और उन्होंने खुद ने प्लाज्मा डोनेशन लिया था किसी से, लेकिन वो लोग आगे नहीं आना चाहते हैं। मुझे उनको बहुत मेहनत लगी उन्हें समझाने में, उनको कन्विंस करने में, एंड फाइनली दे अग्रीड। एंड बट उसमें हमारी मेहनत ज़्यादा लग रही है, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हमारी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, व्हेन वी हैव टू कन्विंस पीपल। पीपल शुड कम फॉरवर्ड देमसेल्व्स, वो खुद इच्छा होनी चाहिए। मेरे पास, मुझे तब खुशी ज़्यादा होती है जब लोग मुझे खुद मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मेरा ये ब्लड ग्रुप है, क्या मैं एलिजिबल हूँ डोनेट करने के लिए, मैं डोनेट करना चाहता हूँ। तो
तो लगता है कि शायद ये इंसान भगवान का भेजा हुआ बंदा आया है और ये खुद हेल्प करना चाहता है लोगों की. सो थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन व्हाट एवर वे पॉसिबल. हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज लोगों के लिए फैसिलिटीज करवाइए.